सिनेमा और समाज जो विषय है, बहुत सारे विषयों की तरह यह भी एक, मैं समझता हूँ कि आज इस आयोजन को एक नया मुकाम देगा। इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारी जो बातचीत होगी वो एक तरफा नहीं होगी। हम चाहेंगे कि दर्शक भी इसमें बराबर की भागीदारी करेंगे और सवाल जवाब के रूप में हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मैं क्योंकि समय कम है, इसकी कोई भूमिका नहीं रखी जा रही है, मैं विभावरी को बुलाऊंगा वैसे, और साथियों से निवेदन करूंगा कि माइक दे दें। माइक है तो विभावरी, हम शायद यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ये जो आज का विषय है सिनेमा और समाज की, क्या छवि हम लेते हैं सिनेमा और समाज के रिश्तों की? क्या समाज सिनेमा से चाहता है और सिनेमा क्या समाज को देता है? तो इस बात को, इस थीम को हम कैसे परिभाषित करेंगे, इस पर थोड़ा सा बातचीत। आप सबको नमस्कार। जैसे कि भास्कर जी ने जो सवाल पूछा, हमारा सत्र भी सिनेमा और समाज के संबंधों पे है। तो सिनेमा और समाज को जब हम एक साथ देखते हैं तो सिनेमा चूंकि एक कला है, और कोई भी कला, मैं जैसा जो मेरी समझदारी है अब तक की बनी हुई, कि कोई भी कला जिसके मायने समाज से ना जुड़ते हों वो बेमायने हैं बेसिकली। तो सिनेमा भी एक कला है और उसका जो, उसकी जो क्या कहूँ, अर्थवत्ता जो है वो समाज से अनिवार्य तौर पर जुड़ी हुई है। मैं वहाँ पे आ जाती हूँ थोड़ा, सॉरी। जैसे कि मैंने बोला कि जो सिनेमा है उसकी उसके उस पर क्या जिम्मेदारी है समाज को लेकर, और समाज जो है, समाज पर भी जिम्मेदारी, मैं इसको दोनों हिस्सों को दो मतलब न्यूनाश्रित संबंध के बतौर देखना चाहूँगी कि एक ऐसे समाज में, जबकि मैं कंटेम्प्रेरी इसी समय के उससे रेफरेंस से शुरू करना चाहूँगी कि एक ऐसे समाज में जब अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ही सवाल उठ रहे हैं, जब आप क्या बनाएंगे इसको एक विशेष साँचे में एक विशेष नज़रिए से रेगुलेट किया जा रहा हो, तो उस समय में फिर सिनेमा अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभा पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये भी कि हमें ये भी समझना पड़ेगा कि सिनेमा जो है एक कला है और एक बहुत सारी कलाओं का समायोजन होता है उसमें, और वो मनोरंजन का जरिया भी है। और इसके साथ ही साथ ये भी एक बात कि सिनेमा में पूंजी जो है वो बहुत बड़ी एक बड़े बड़ा एक हिस्सा होता है उसका, उसकी बड़ी साझेदारी है उसमें। तो इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम पक्षों को ध्यान में रखकर ही हमें सिनेमा को समझने की ज़रूरत है। बावजूद इसके मेरी समझदारी यही है कि सिनेमा जो है वो उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो समाज से जुड़ती है, वो कैसे करेगा, ये अगर हम शुरू से शुरू करें, जो सिनेमा का 120 साल का जो छोटा सा एक इतिहास रहा है, उस छोटे इतिहास में उसने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि वो एक ऐसी कला है जो ऐसी मतलब मास मीडिया का हिस्सा है, और वो ज़्यादा जनता तक उसकी पहुंच है, वो उन लोगों तक भी पहुंच पा रहा है जो कि जो जिसको हम कहते हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं तमाम इस तरह के लोग, जो साहित्य जहाँ पे लैकिंग पॉइंट है जो साहित्य का, तो इस वजह से सिनेमा का असर भी ज़्यादा है। और उस असर को देखते हुए हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि सिनेमा जब जब समाज को साथ लेकर चला है या समाज के बारे में उसने बात की है, वो तब तक अपने बेहतरीन फॉर्म में रहा है, अपने बेहतरीन रूप में रहा है। तो ये एक बात, लेकिन मेरा दिमाग इस टॉपिक को लेकर जा रहा है, वो आज के समय पे जा रहा है कि हम क्या समाज की कोई जिम्मेदारी सिनेमा के प्रति नहीं है,
कि समाज जो है हमारा भी एक हमारी भी एक हमारा भी एक नज़रिया ये होना चाहिए कि हम अपनी कलाओं को किस तरीके से प्रमोट कर पा रहे हैं। मुक्तिबोध जो है उन्होंने उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही कि जो कलाएं हैं जो साहित्य है उस पर ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो जो पाठक है या जो जो श्रोता है उसकी उसकी जो चेतना है उसको भी विकसित करने का काम करे। तो क्या हम कर पा रहे हैं इसको, एक एक समाज के बतौर हम इस बात को आगे ले जा पा रहे हैं कि नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट बात है।